नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार के मुंगेर जिले से खौफ का माहौल करने वाला एक खबर सामने आ रहा है। दरअसल बिहार के मुंगेर जिले के मुंगेर गंगा तटों पर मगरमच्छों का अब बोलबाला हो गया है और लोगों को डर है कि कहीं मगरमच्छ उन पर हमला न कर दे। मुंगेर से गंगा नदी का तट लगभग 56 किलोमीटर है और इन तटों पे कई गांव और मोहल्ले के अलावा कई गंगा घाट बने हैं जहां लोग स्नान करने जाते हैं। पर इधर लगभग 6 माह से गंगा में मगरमच्छ घड़ियाल के लगातार देखे जाने से लोगों में भय का वातावरण फैल गया है। मगरमच्छ यदा कदा गंगा के तटों पे धूप सेकते दिखे जाते हैं या गंगा में विचरण करते दिख जाते हैं, जिससे गंगा तटों पे बसे लोग स्वयं और अपने बच्चों गंगा तटों पे स्नान या खेलने नहीं जाने दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि मगरमच्छ रोज़ाना किसी न किसी जगह दिख ही जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी भय लगता है। तो मछुआरों ने बताया कि मछली मारने के क्रम में कई बार उनके नाव के समीप से भी मगरमच्छ को जाते देखा है और करीब 6 से 7 मगरमच्छ मुंगेर के गंगा नदी में विचरण करता रहता है। अब वहां पर मौजूद ग्रामीणों की बातों को सुनिए कि वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग का डर लगता है तो क्या चीज से? मगरमच्छ से। हाँ। अभी जाते हैं जाल लगाने के लिए तो डर के मछली मारते हैं। कहाँ पे मगरमच्छ है? मगरमच्छ था यहाँ अपना श्री घाट के बगल में। हाँ। और एक खेती देखे अपना मतलब वहाँ पर घाट के सामने उस पार में। अच्छा, बस दो जगह देखे थे। वो क्या आप लोगों को काफी भय है? जी। आप लोगों का बच्चा बच्चों गंगा घूमते रहता है, नहाने के लिए जाता है, बर्तन मांजने के लिए जाता है सब। अच्छा, इसलिए मेरे मतलब मछली मारने जाते हैं तो डर लगता है। सर, मेरा जाल उस पार में लगा है, बाबा घाट के उस पार में। तो वहाँ पर डेली हम लोग मगरमच्छ देखते हैं। अच्छा, वहाँ हम कमाने जाने देखते हैं। हमको भय लग रहा है कमाने के भी। अच्छा, हम लोग मछली मारते हैं सर, और हमें जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि मगरमच्छ को गंगा से निकला जाए। अच्छा, और यहाँ लल्लू पोखर श्री घाट में भी देखा गया है। अच्छा। और मगरटोला घाट में भी देखा गया है मगरमच्छ को। हम जिला प्रशासन से अपील करते हैं गंगा जी से मगरमच्छ निकालने का प्रयास करें। क्या चीज़ से डर है आप लोग को? मगरमच्छ। हाँ, आप लोग देखे हैं? हाँ। कहाँ देखे हैं? कामा थान। अच्छा, और मगरटोला। हाँ, घाट पर वो घूमते रहता है। हाँ। कै गो मगरमच्छ देखे हैं आप लोग? दो देखे हैं। तो आप लोग इसका दिए हैं वन विभाग को, कभी बोले हैं क्या? नहीं बोले हैं। तो कैसे आप लोगों के बच्चा भी गंगा तट पे जाते हैं? हाँ, गंगा जी का सब कुछ काम होता है। गंगा और गंडक में आए भयंकर बाढ़ से कई जगहों पे ये एक दूसरे से मिल जाती है और इस कारण गंडक में रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियाल गंगा में आ जाते हैं और पानी उतरने के बाद ये वापस नहीं जा पाते हैं, जिससे वे गंगा को ही अपना घर बना लेते हैं। और साथ ही वन प्रमंडल अधिकारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। देखिए, जो मगरमच्छ हैं या घड़ियाल हैं हमारे, ये जो गंगा का एक प्राकृतिक जो इकोसिस्टम है, ये उसका एक अभिन्न पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एक है और एपेक्स प्रेडेटर है, जिसको हम ये कहें कि वो पूरे इकोसिस्टम को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए, जैसे आप ये कह लें कि टाइगर का जो रोल जंगल के लिए है, उसी तरह से हमारा मगरमच्छ या क्रोकोडाइल जो है वो इनके लिए रखता है। दूसरा क्या है कि ये प्राकृतिक रूप से गंगा जी में मिलता है और जो गंगा की सहायक नदियां हैं, विशेष रूप से गंडक में, उसमें भी अच्छी खासी ये संख्या है। तो इससे मेरा जो सुझाव है और अपील भी रहेगी लोगों से कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और जब अगर कभी मान लिया जाए गंगा जी में जब तक है मगरमच्छ, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, सावधान रहना है। और अगर आपके किसी प्राइवेट जगह पे मान लिया जाए कि किसी पोखर में या किसी नाले में अगर दिखता है गंगा जी से अलग, कई बार ऐसा भी हो सकता है, उस केस में आप तुरंत वन विभाग को सूचित करें, हम लोग इसमें आपकी सहायता करेंगे और उसको जानवर को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन गंगा जी का जो तट है या गंगा जी में जो दिख रहा है, वो एक इंडिकेशन यह भी हो सकता है कि संख्या जो है जानवरों की बढ़ी है, या इसको और बेहतर तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि शायद पानी की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है, तो उस कारण से इनका जो है दिखना शायद इस बात का
प्रतीक है कि कुछ संख्या में सुधार हुआ है। तो इससे कोई घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये गंगा जी में आया। और दूसरा ये तो है, पौराणिक रूप से भी मैं लोगों से कहूँगा कि जो गंगा जी का वाहन है वो मगरमच्छ ही है, तो ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है शुरू से ही। तो ऐसा नहीं है कि कोई, शायद ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे गंडक नदी जो नेपाल से आती है उसमें संख्या इम्प्रूव हुई है, और जब उसमें संख्या इम्प्रूव हो रही है तो वो क्योंकि गंगा जी में मिल जाती है वो नदी, और फिर गंगा जी में भी पहले से प्राकृतिक रूप से मिलता है, तो कुछ संख्या में हो सकता है कि सुधार हुआ। ऐसा नहीं है कि गंगा जी में नहीं मिलता है, ये प्राकृतिक आवास ही है, उस जानवर का प्राकृतिक आवास ही है गंगा नदी। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार मिल रहा है या अचानक से कहीं आ गया, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि इसी के साथ जो बहुत कम दिखता है, जो रेयर है, वो घड़ियाल भी है। घड़ियाल अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ा होता है और केवल मछली खाने वाले वो जानवर हैं, तो वो भी कभी कभी हो सकता है दिखे। घड़ियाल की संख्या कम है मगरमच्छ की अपेक्षा, लेकिन ये दोनों प्राकृतिक रूप से हमारी नदियों में मिलते हैं। तो इसलिए इसमें जहाँ भी इस तरह की कोई समस्या हो, आपको लगे कि गंगा जी के से कोई नाला या कोई पोखर या कोई तालाब वहाँ पर इस तरह की बात है, तो एकदम तत्काल जो है आपको वन विभाग को सूचित। वन प्रमंडल पदाधिकारी का कहना है कि मगरमच्छ का दिखना यानी कि गंगा का इकोसिस्टम अब काफी सही हो गया है, जिसकी वजह से जानवरों को गंगा नदी में देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो उसमें गंदे लाशें हैं उसको वो खाकर पानी को स्वच्छ भी कर रहे हैं, तो ये सबके लिए अच्छी खबर है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें।